मिलिटेंसी तो, मिलिटेंसी तो 89-90 में आई यहाँ पे, ठीक है, 87 के चुनाव में धांधली हुई, उसके बाद से शुरू होता है कहानी। 14 में मोदी सरकार आती है, आप कह रहे हैं मोदी सरकार के समय, मोदी सरकार के समय लोगों को जेलों में भरा गया, चलिए आपकी बात मान ली एक तरफ के लिए मोदी सरकार में ऐसा हुआ होगा, लेकिन यार कांग्रेस के समय भी तो ये हुआ होगा, ये तो कांग्रेस में भी होगा, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब भी लोगों को जेलों में भरा गया, तब भी जेलों में भरा होगा, भरा होगा नहीं, भरा है, सब सबने भरा है। देखिए सबसे ज्यादा जुल्म जितना भी कश्मीरियों ने देखा, इतना ही नहीं कि मतलब एक बीजेपी कैंडिडेट खड़ा हो गया, एक बंदा खड़ा हो गया बोलने लगा, सबसे जुल्म कश्मीरियों ने बीजेपी सरकार में देखा है, सबसे जुल्म कश्मीर ने, कोई खुल के नहीं बोलता है, आवाज दबा के रखी है, कोई बोल नहीं सकता, खुल के बोलेगा शाम को उसको पकड़ के जेल में बंद करेगा, पकड़ेगा पुलिस, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के जो गुंडे है वो पकड़ के ले जाएगा जेल में बंद, आवाज दबाई जाती है, किसी को बोलने का हक नहीं दिया जाता है, जो भी बोलेगा उसको उठाया लिया जाता है। सरकार पार्टी वाले बताएं, लोग बोलने यहाँ पे, बोलने पे जेल होती है बीजेपी के खिलाफ। मेरा कहने का मतलब है जो जहर खाएगा वही मरेगा, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं कोई आया, चाहे मैं किसी पार्टी के साथ हूँ ही नहीं, मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मतलब कि मैं अपना ही दिन की दिहाड़ी करता हूँ, खाता हूँ, तो मुझे किसी से क्या लेना देना, मेरा मकसद यह है कि मतलब कि जो भी है अच्छा ही मिला और अच्छी सरकार मिली, बाकी वो नहीं है कि ये ठीक है। चलिए एक सब बोलते हैं, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसको उठा के ले जाएगा, जैसे कि हम लोग, आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलो, ऐसा समझाया जा रहा है सबको, और क्या, कौन समझा रहा है, ऊपर से लोग खड़े थे जो, और सब बोल रहे हैं, यहाँ खुल के नहीं बोल सकते, यहाँ सब आम लोग कहते हैं कि आप मत बोलो, यहाँ बोलने का हक किसी को नहीं है, अब हम नुमाइंदे चुनते हैं ना कि पार्टी, आपने बोला नेशनल ने, बिल्कुल नेशनल ने भी हर किसी पार्टी ने यहाँ पे जुल्म किया, अब हम कैंडिडेट की तरफ देखते हैं, जो हमारे नए नए न्यू कैंडिडेट जो यहाँ पे मैदान में आए हैं, अब हम उन पे ही भरोसा करते हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ वोट डालते हैं, वरना हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं था, वोट डालने का कोई जरूरत नहीं था, बस यही है सर, हमारा यहाँ कैंडिडेट है जिसका भी हमने अच्छे अच्छे कैंडिडेट है, अपने जिसपे भरोसा है उन्हीं को वोट देना है, उसको कामयाब बनाना है, तो वो जो हमारी बात आगे तक पहुँचाए, जो हमारे मसले मसाइल हल करे, बाकी हमें किसी और से लेन देन नहीं है, जब करेंगे तब खाएंगे, देने वाला ऊपर वाला है, बस सर यही।